जा रहे हो? ग ग ग ग ग ल ल ग ग ग ग ग ल ल ल क्या हुआ? तू ऐसे क्यों हंस रही होली? तुम हमेशा खाते या सोते ही क्यों रहते हो? और तुम हमेशा रोटी क्यों रहती हो? तुम तो क्राई बेबी हो। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। हाँ तुम हो, मैं तो ताकत बढ़ाने के लिए खूब खाता हूँ। तुम नहीं खाती हो इसलिए कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। चलो हम पता लगाते हैं कि कौन मजबूत है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? मुझे एक आइडिया सूझा है, चलो मेरे साथ आओ क्राई बेबी। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। अच्छा तुम यहीं पर रुको। अरे हम इनका क्या करेंगे? तुम पानी की वो डंकिया देख रही हो? हाँ। तुम एक बाल्टी लो और नदी से उसे भर कर लाओ, फिर एक टंकी में भरो। मैं भी दूसरी बाल्टी से उसी तरह से दूसरी टंकी भरूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले टंकी भरेगा वही जीतेगा और ज्यादा दमदार कहलाएगा। आसानी से जीत जाऊंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं। मोली को तो एक टंकी भरने में मुझसे दुगना समय लगेगा। बेचारी मौली अब तक पानी भर रही है। गोभी मैंने टंकी भर दी है, देख लो। जीत गई जीत गई, मैं तुमसे दमदार भी हूँ। ये हेलो मौली, तुम ये टंकी क्यों भर रही हो? गोभी ने मुझसे एक शर्त लगाई थी जो मैं जीत गई। रुको, तुम अभी नहीं जीती हो। मुझे तो नींद लग गई थी इसलिए टंकी मैं नहीं भर पाया। लेकिन मैंने टंकी पहले भर दी गोभी। हाँ मैंने कहा ना, मुझे नींद लग गई थी। लेकिन लेकिन क्या? नहीं मौली, तुम नहीं जीती हो। साईशा, मैं जीती हूँ। देखो तुम फिर से रोने लग गई ना, तुम हो ही क्राई बेबी मौली। साईशा, गोभी मुझे क्राई बेबी कहकर चिढ़ाता है। गोभी गलत बात, तुम उसे क्राई बेबी कहकर क्यों चिढ़ाते हो? क्योंकि ये है ही क्राई बेबी, देखो रो रही है ना। साईशा वायु वायु कैसे हो मेरे दोस्तों? अरे तुम रो क्यों रही हो मौली? क्योंकि ये है ही क्राई बेबी वायु। चुप रहो गोभी। उसे परेशान मत करो गोभी। मौली अच्छा तुम बताओ क्या बात है? गोभी और मैंने आज अच्छा तो तुम्हारी हालत भी खरगोश और कछुए वाली हुई है। खरगोश और कछुए वाली हालत? हाँ खरगोश और कछुए वाली हालत। ओ अब हमें वो कहानी सुनाई है ना? हाँ वायु सुनाओ ना। ठीक है सुनाता हूँ। एक दिन एक खरगोश अपने बारे में डींगे मार रहा था कि वो कितना तेज है। फॉरेस्ट ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और हर रेस मैंने जीती थी, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, यही तो होना था। मुझे उसमें कौन हरा सकता था, मैं हूँ ही चैंपियन।
मैं अपनी तारीफ अपने ही मुंह से नहीं करनी चाहिए दोस्त। तारीफ? तुम क्या कह रहे हो, मैं आज तक नहीं हारा हूँ। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुझसे रेस कर लो। देखा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ना, मैं हूँ ही चैम, सब ये बात जानते हैं। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम, मैं तो तुम्हें हंसते खेलते हरा सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों, हारना चाहते हो? चलो फैसला कर लेते हैं। अगर हारना ही चाहते हो तो ठीक है। दोस्त 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 तो रेस की तैयारी पूरी हो गई दोस्त। अब जब मैं कहूँगा गेट सेट गो, तब रेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, गेट सेट गो। गाजर हैं, उसे तो यहाँ पहुँचने में दिन भर लगेगा, तब तक मैं गाजर खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। देख लिया ना मेरे दोस्त, धैर्य और मेहनत से जीत सकते हैं। सुना, समझ गए, जो कोशिश करेगा वही जीतेगा। ये तो सच में कमाल की कहानी थी वायु। हाँ, मैं अब समझ गया, गलती मेरी थी, मौली ने ही बाजी जीती थी, उसने डंकी भरने के बाद ही दम लिया। थैंक यू वायु। अरे थैंक्स किस बात का दोस्तों। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय वायु। बाय बाय बच्चों।